गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 क्या है आपका, आपने क्या पढ़ा था चैप्टर 6 में? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस। हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा आत्मविश्वासी हम हो जाते हैं कि हम खुद पर ही बिलीव करने लगते हैं। कोई आसपास कुछ भी हमसे कहता रहे, हमें उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। कोई हमें कितना भी समझाने की कोशिश करे, हम उसको पागल ही समझते हैं कि नहीं, मैं सही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही। ठीक है, तो चलिए। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस होना उस साइरस के लिए खतरनाक हुआ ना। तो चलिए अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs? फर्स्ट, हु वॉज द फादर ऑफ साइरस? साइरस के पिता कौन थे? कौन थे साइरस के पिता? किंग, गॉड, एंड्रियू या नन ऑफ दीज? कौन थे साइरस के पिता? साइरस के पिता का नाम क्या था? एंड्रियू। तो क्या है इसका सही ऑप्शन? बी। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज द प्रिजन सिचुएटेड? जो जेल था वो कहाँ स्थित था? ऑन एन आइलैंड, इन अ फॉरेस्ट, इन द सिटी या नन ऑफ दीज? जो जेल था वो कहाँ स्थित था, कहाँ सिचुएटेड था? ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पे तो सिचुएटेड था, सिटी में तो नहीं था, शहर में नहीं था, जंगल में नहीं था, नन ऑफ दीज। तो कौन सा है? ऑन एन आइलैंड। आगे देखिए, वेयर डिड एंड्रयू लैंड? जो एंड्रयू था वो कहाँ पर लैंड हुआ, मतलब कहाँ पर नीचे उतरा? कौन, फ्रांस, पेरिस, लंदन या नन ऑफ दीज? कहाँ उतरा? फ्रांस में तो उतरा। What is the moral of the story? स्टोरी का मोरल क्या है, मतलब हम स्टोरी हमें क्या शिक्षा देना चाहती है, क्या उसका नैतिक शिक्षा है? ओवर कॉन्फिडेंस कैन प्रूव टू बी गुड, ओवर कॉन्फिडेंस कैन प्रूव टू बी फैचर या ए बी बोथ? ओवर कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है ना, कि ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा साबित हो सकता है, नहीं ना, खतरनाक साबित हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में साबित हो, लेकिन हाँ, मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे तो हमें ही उनसे प्रॉब्लम होती है, हमें ही उनसे हमारे साथ ही फिर गलत होता है। ठीक है, तो जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो घातक साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए टी लिखना है और गलत स्टेटमेंट्स के लिए फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है। ठीक है, द प्रिजन वॉज सिचुएटेड इन अ फॉरेस्ट। जो प्रिजन था वो जंगल में स्थित था, फॉल्स नहीं, कहाँ था? ऑन एन आइलैंड। ओके, नेक्स्ट, एंड्रयू एंड साइरस फाउंड प्लेंटी ऑफ बर्ड्स फेदर्स ऑन एन आइलैंड, ऑन द आइलैंड। जो एंड्रयू था और जो साइरस था, उसको आइलैंड पर चिड़िया के बहुत सारे पंख मिले थे ना, उसी से उन्होंने अपने विंग्स बनाए थे। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, फाउंड आ रहा है, कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, तो कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या है ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, दे न्यू हाउ टू फ्लाई। वो जानते थे कि कैसे उड़ना है, नहीं जानते थे ना, तो फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंस कैन प्रूव टू बी डेंजरस। अगर हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है ना। हमने स्टोरी में पढ़ा कि साइरस के लिए, साइरस और ऊंचा उड़ता चला गया और उसके लिए ये चीज़ खतरनाक साबित हो गई, क्योंकि वो सूरज के बहुत पास पहुंच गया और सूरज के पास पहुंचने से उसका जो वैक्स था वो पिघल गया और पिघलने की वजह से, वैक्स पिघलने की वजह से उसके पंख अलग हो गए और वो एक समुन्द्र में जाकर गिर गया। क्या हुआ फिर, उसकी डेथ हो गई, मर गया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है वो खतरनाक साबित हो सकता है। द वैक्स इन द विंग्स ऑफ साइरस मेल्टेड डाउन। जो साइरस के पंखों में जो वैक्स लगा हुआ था वो पिघल गया, मेल्टेड डाउन है ना, तो कौन से, कैसे हिंदी बनेगी, पिघल गया, यस ट्रू। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिनके आपको क्या लिखने हैं,
आंसर्स लिखते हैं। देखिए क्या है, वेयर वॉज द प्रिजन लोकेटेड, जो प्रिजन था वो जेल था जो कहाँ स्थित था, कहाँ लोकेटेड था, कहाँ पर था, ऑन एन आइलैंड। तो क्या, द प्रिजन वॉज लोकेटेड ऑन एन आइलैंड, द प्रिजन वॉज लोकेटेड ऑन एन आइलैंड, कहाँ पर था, आइलैंड पर, ऑन एन आइलैंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, जेल से बाहर निकलना कठिन क्यों था, वाई क्यों, वॉज था इट यह डिफिकल्ट कठिन, टू एस्केप बाहर निकलना, फ्रॉम द प्रिजन जेल से बाहर निकलना कठिन क्यों था, जेल से बाहर निकलना कठिन इसलिए तो था ना क्योंकि जो जेल्स की जो प्रिजन की जो वॉल्स थी वो कैसी थी, बहुत मजबूत थी, बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग वॉल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड एंड्रयू एंड साइरस फाइंड ऑन द आइलैंड, जो एंड्रयू था और जो साइरस था उसे आइलैंड पर क्या मिला, क्या मिला था उनको, उनको बहुत सारी, उन्हें चिड़ियों के बहुत सारे पंख मिले। तो एंड्रयू एंड साइरस फाउंड प्लेंटी ऑफ बर्ड्स फैदर्स ऑन द आइलैंड। ओके, उन्हें आइलैंड पे बहुत सारे पंख मिले। नेक्स्ट, व्हाट डिड दे डू विद द विंग्स, उन्होंने पंखों के साथ क्या किया, व्हाट डिड दे डू विद द विंग्स, उन्होंने पंखों के साथ क्या किया, क्या किया उन्होंने, दे टाइड विंग्स टू देयर आर्म्स, उन्होंने अपने जो पंख थे वो किससे बांध लिए, अपने आर्म्स से, एंड रीच द रूफ ऑफ द प्रिजन, और जो जेल की छत थी वहाँ पर पहुँच गए। यही तो हुआ ना, उन्होंने पंख किससे बांध लिए, अपनी भुजाओं से बांध लिए, और भुजाओं से बांधने के बाद वो जेल की छत पर पहुँच गए। नेक्स्ट, वॉट हैपन्ड टू साइरस, वॉट मीन्स क्या, हैपन्ड हुआ, टू साइरस, साइरस को, साइरस के साथ क्या हुआ, या साइरस को क्या हुआ, क्या हुआ था, ही फैल इन टू द सी ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ वैक्स फ्रॉम द विंग्स, विंग्स से क्या हुआ था, उसका जो मेल्ट था वो पिघल गया था और वो समुद्र में गिर गया, जो मेल्ट था जो वैक्स था, क्योंकि वो सन के बहुत पास पहुंच गया था, और सन के जब वो बहुत पास पहुंच गया था तो सन के बहुत पास पहुंचने से जो उसका वैक्स था वो पिघल गया और वो समुद्र के अंदर गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में जो आपको वर्ड्स गिवन दिए हैं उनको आपको सही प्लेस पर फिल करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एंड्रयू एंड साइरस फाउंड प्लेंटी ऑफ वर्ड्स ब्लैंक ऑन द आइलैंड, जो एंड्रयू था और जो साइरस था, फाउंड मतलब मिला, क्या मिला उन्हें, प्लेंटी ऑफ वर्ड्स, क्या मिले थे उनको, बहुत सारे चिड़िया के, क्या मिले थे, बहुत सारे चिड़िया के पंख मिले थे, क्या मिले थे, पंख, पंख की इंग्लिश क्या होती है, फैदर्स, एफ ई ए टी एच ई आर एस। ओके, नेक्स्ट, द प्रिजन वॉज सिचुएटेड ऑन एन प्लैंक, जो जेल था वो कहाँ स्थित था, जेल कहाँ स्थित था, जेल आइलैंड पर, कहाँ था, आइलैंड पर, आई एस एल ए एन टी, कोई इसको इसलैंड नहीं पड़ेगा, इस और लैंड नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं आई लैंड, एस हमारा इसमें साइलेंट रहता है, तो आई लैंड, दे टाइड द प्लैंक टू देयर आर्म्स, उन्होंने बांध लिए, क्या, अपनी भुजाओं से उन्होंने क्या बांध लिया, कौन सा टेंस है यहाँ पे, दे टाइड, कौन सा टेंस है, टाइड मीन्स बांधना, टाई मीन्स होता है बांधना, और टाइड मतलब बांधा, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो उन्होंने अपनी भुजाओं से क्या बांध लिया, पंख, विंग्स। ओके, नेक्स्ट, दे जम्प्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्रिजन फ्लैपिंग देयर विंग्स इन द ब्लैंक, दे जम्प्ड मीन्स वे कूद गए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्रिजन मतलब प्रिजन की छत से,
टॉप मतलब ऊपर प्रिजन था, जो जेल था, जेल की जो छत थी, छत पर ही तो पहुंच गए थे विंग्स को लगाकर। तो छत पर जो पहुंच गए, फ्लैपिंग देयर विंग्स, फ्लैपिंग मीन्स अपने पंखों को हिलाते हुए, इन द ब्लैंक, कहाँ हिलाते हुए, हवा में, तो यहाँ पे क्या आएगा, एयर, ए आई आर, ओके। तो इस तरीके से हमने सारे इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस अपनी कर ली। अब देखिए नीचे एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या है, वॉट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, मतलब अपने पे विश्वास करने का मतलब क्या होता है, ये आपको अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। क्या है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए। हाउ ओवर कॉन्फिडेंस मे प्रूव टू बी डेंजरस, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा ना कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो खतरनाक हो सकता है ना। तो आप ये चॉइस है, अगर आप इनको करना चाहिए ऐसा आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आपको एक कोई भी स्टोरी ऐसी लिखनी है जिसमें आप ये बताएं कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टोरी रीड करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।